सब्जेक्ट हमारा ऐप चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे 10। तो देखिए इस यूनिट के अंदर हम देख रहे हैं हमारे हार्मोन क्या होते हैं, साथ ही में हार्मोन एंटागोनिस्ट। और इस यूनिट के अंदर टू वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखा थे यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, सेकंड हमने एंटी थायराइड ड्रग्स, और साथ ही में सेकंड वीडियो लेक्चर में पैरा हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देखेंगे, आप सेकंड वाला ना देखें फर्स्ट वाला तो आप देख ही लें, क्योंकि इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल यूजेस। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस यूनिट को हमें किस तरह से स्टडी करना है, तो आप उसको देखेंगे तो ये इजिली समझ में आ जाएगा, नहीं देखेंगे समझ में आएगा लेकिन उतनी अच्छी तरीके समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इंसुलिन देखेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट देखेंगे, और कोशिश करेंगे जितने हमारे यहाँ पे क्या ये हार्मोन वगैरह हैं सभी को इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की, मतलब इस यूनिट को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इंसुलिन। अब देखिए वैसे तो इंसुलिन के बारे में बताने को बहुत सारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है, तो बेसिकली जो हमें जानना है सिर्फ हम उतना ही देखेंगे। जैसे इंसुलिन क्या होता है, बेसिकली हमारा ये एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और साथ में इसके इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं जो एक तरह से एनिमल वगैरह से कंटेन किए जाते हैं। तो इंसुलिन देखा जाए तो एक तरह से ह्यूमन बॉडी में एनिमल में दोनों जगह ये प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन बॉडी में जो मेन वर्क होता है इंसुलिन का वो होता है जो ह्यूमन में ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कभी कभी ना इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे इंसुलिन का यूज किया जाता है। तो एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था फार्माकोथेरापोटिक में, एक डिसीज है डायबिटीज मिलाइटस, तो हमारे टू टाइप की होती है, फर्स्ट होती है डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। तो हमारा जो टाइप 1 होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, उसमें क्या होता है इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से उसको दिए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर से ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए मेनली यूज किया जाता है इंसुलिन का, इतना आई थिंक आपके लिए काफी है इसमें जानने के लिए। इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रीट बाय द पैनक्रियास, पैनक्रियास से क्या होता है हमारे हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, में इंसुलिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर इन टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट, जो एक तरह से डायबिटीज होती है टू टाइप की होती है टाइप 1 टाइप 2, तो टाइप 1 वाली जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की वजह से होती है, बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब या तो हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को सही से सीक्रेट नहीं कर पा रही है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन बॉडी में कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से अब उस पर रेसिस्टेंस उत्पन्न हो गई, मतलब वो अपना इफेक्ट वहाँ पे नहीं दे पा रही, तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज हो जाती है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, इट ऑल्सो इनिबिट्स शुगर प्रोडक्शन इन लीवर। देखिए लीवर के अंदर क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है जो कि बॉडी में बढ़ता है मतलब ब्लड के अंदर जिससे डायबिटीज होती है, तो क्या करती है जो इंसुलिन होती है इनहिबिट कर देती है शुगर के प्रोडक्शन को, भाई प्रोडक्शन कम होगा ब्लड के अंदर कम आएगा, इससे क्या होगा कि जो एक तरह से टाइप 1 डायबिटीज है इंसुलिन डिपेंडेंट वो यहाँ पे ट्रीट होगी। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के क्या क्या फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे मेनली तो हमने आपको बता दिया जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो वही यहाँ पे हम देखेंगे। इंसुलिन इज दी ओनली हार्मोन, देखिए ओनली हार्मोन का मतलब है मतलब इस तरह का इफेक्ट और कोई हार्मोन नहीं देता है, विद द एबिलिटी टू डायरेक्टली, जो एक तरह से एबिलिटी रखता है मतलब इतनी क्षमता रखता है डायरेक्टली जो लोअर एक कम कर सके ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन एक ओनली ऐसा हार्मोन होता है जो एबिलिटी क्षमता रखता है डायरेक्टली एक तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने की लोअर करने की। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं, इंक्रीज या प्रमोट, एक तरह से क्या करता है जो हमारा इंसुलिन होता है ये प्रमोट करता है द स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन एंड लिपिड्स, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है उसको एक तरह से ग्लाइकोजन प्रोटीन और लिपिड्स की फॉर्म में स्टोरेज करने का एक तरह से कौन वर्क करता है जो इंसुलिन होता है, मतलब उसकी जो स्टोरेज है उसको एक तरह से प्रमोट मतलब इंक्रीज करने का यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे जो हमारा क्या हो रहा है अभी स्टोरेज हो रही है केमिकल की, तो ये मतलब केमिकल एनर्जी की ये डायरेक्टली तो नहीं होती, इसके लिए भी कुछ हमारे ऑर्गन चाहिए होते हैं। द मेजर टारगेट ऑर्गन फॉर इंसुलिन एक्शन आर कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इंसुलिन के एक्शन के लिए कुछ हमारे टारगेट यहाँ पे ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर हो गया, मसल्स हो गए और साथ में एडिपोस टिश्यू हो गया, तो ये एग्जांपल ऑर्गन होते हैं दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज, मतलब ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जो हमारा क्या होगा इंसुलिन होगा यहाँ पे वर्क करेगा और यहाँ पे इन ऑर्गन में क्या करेगा ये उस एनर्जी को मतलब छिपा के रखेगा एक तरह से
स्टोर करके रखेगा। अब देखिए बॉडी में एनर्जी स्टोर क्यों की जाती है, कभी कभी क्या होता है बॉडी के अंदर से एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। अब या तो कोई बंदा जो न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं खा रहा है या और उसकी बॉडी में कोई प्रोसेस हो रही है, तो उस कंडीशन में ये जो क्या होते हैं यहाँ पे केमिकल एनर्जी होती है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिलीज होती है, जिससे कि बॉडी अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको यहाँ पे कंप्लीट करती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इसके फिजियोलॉजिकल रोल। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन हो या अदर कोई भी हमारा हार्मोन हो, तो उसका जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर उस पर डिपेंड करते हैं हमारे यहाँ पे पैथोलॉजिकल रोल, जैसे कि लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन और रेसिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन। तो देखिए हमारा जो इंसुलिन होता है इसका सिक्रेशन होता है पेनक्रियास से हमारी बॉडी के अंदर, तो एनी रीजन या तो कोई बॉडी बीमारी है या अदर कोई भी कंडीशन है जिससे जो सिक्रेशन हो गया यहाँ पे इंसुलिन का वो यहाँ पे लो हो गया है, तो यहाँ पे भी बॉडी में कम हो जाएगा इंसुलिन, या एक तरह से और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन, या वो सिक्रेट तो हो रहा है लेकिन उसका जो एक्शन है उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कोई रोक रहा है कोई चीज उसके एक्शन को प्रोड्यूस करने से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जो हमारा हार्मोन होता है जब वो कम होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ज्यादा होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अब देखिए इसका रीजन क्या है, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसुलिन के कम होने से जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो डायबिटीज हो जाती है और उसी को यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया हम कहते हैं। तो नॉर्मल जो इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है उसके लिए हमारी टाइप 1 डायबिटीज बॉडी में हो जाती है, सेकंड हमारी क्या होती है यहाँ पे डायबिटीज 2 होती है जिसको हम देखेंगे, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया कोस, और जब बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उस कंडीशन हमारी टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है, साथ में यहाँ पे किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, साथ में यहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा भाई, साथ में ब्लाइंडनेस, जिन लोगों को शुगर होती है ना हिसाब से ज़्यादा वो चलती चल जा रही है, आप कुछ ऐसे पेशेंट से मिले जो ओल्ड एज में ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस भी एक कोज कर देता है, और साथ में यहाँ पे वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी वीकनेस प्रोड्यूस करता है। अब आपको इसको थोड़ा डिटेल में देखना है तो फार्माकोथेरापेटिक में जाइए डायबिटीज डिसीज में, डिटेल में हमने वहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाई सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंडिकेट हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहाँ पे देखिए उसके अपोजिट हो रहा है, हाई सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन जब यहाँ पे क्या हो रहा था कम हो रहा था तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इसका रीजन क्या है, तो मान लीजिए बॉडी में जो इंसुलिन का सिक्रेशन है पैनक्रियास से वो हिसाब से ज्यादा हो रहा है, और हमने आपको पहले ही बता दिया जो एक तरह से इंसुलिन होता है रिड्यूस कर लेता है ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन अगर ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या हो रहा है सिक्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर से ग्लूकोज के लेवल हिसाब से ज्यादा कम हो जाएगा, और जब ज्यादा कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि उस कंडीशन में हमें बॉडी को जो ग्लूकोज है वो देने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ज़्यादा ही कम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हमारा एक नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक्सेसिव हंगर, हिसाब से ज़्यादा भूख लगेगी जब बॉडी में ग्लूकोज कम होगा एनर्जी कम होगी, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, वोमिटिंग उल्टी आ जाएगी नोजिया वगैरह हो जाएगा, ब्लड विजन आंखों के आगे अंधेरा भी छा सकता है जब बॉडी में एनर्जी कम होगी, साथ में यहाँ पे एक्सेस स्वेटिंग हिसाब से ज़्यादा पसीना आना, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे इसके पैथोलॉजिकल रोल। देखिए जितने रोल हम आपको बता रहे हैं एक तरह से थोड़ा हम डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं लेक्चर को जल्दी भी डिस्कस कर सकते हैं एकदम से, काफ़ी लेंथी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में देख रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस हम देखें तो टाइप 1 डायबिटीज हमने आपको बता दिया इसका यूज़ किया जाता है, आई थिंक इतना तो आप अब तक समझ गए होंगे, साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, जब क्या होता है वुमन प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है, तो ये इतना सीरियस नहीं होती है, डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल हो जाती है, साथ में टू ट्रीट हाइपर कैल्सीमिया, तो ये कंडीशन होती है जो एक तरह से इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से कोज होती है, तो ये भी हो जाता है, साथ में यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट डायबिटीज टाइप 2, देखिए क्या होता है टाइप 2 जो डायबिटीज होती है वैसे मेनली उसमें इंसुलिन का यूज नहीं किया जाता लेकिन ये थोड़ा इफेक्टिव देखने को मिलती है, तो हमारा जो इंसुलिन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए इसके अंदर सेकेंड हम देख लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट। अब देखिए हमारे जो ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट होते हैं एक नाम और है जिससे आप इनको लिख सकते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट, आप सीधा ऐसे समझिए हमारे जो ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट होते हैं इनको हम ओरली लेते हैं जैसे हमने लिखा हुआ है ओरल, और साथ ही में हाइपोग्लाइसिमिक मतलब जो हमारी डायबिटीज होती है टाइप 1 या टाइप 2 एक तरह से जो डायबिटीज होती है उसको ट्रीट करने में यूज किया जाता है। देखिए हमारे क्या होते हैं ये एंटागोनिस्ट होते हैं तो बॉडी में खुद ही ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होते ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट, इसलिए इनके फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल रोल यहाँ पे हेडिंग वाइज आपको नहीं मिलेंगे, उनकी जगह डायरेक्ट आपको ड्रग मिलेंगी, तो डेफिनेशन आप सीधी बना सकते हैं ये वो ड्रग होती है जिनका यूज डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करने में
किया जाता है। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस बाई द ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए क्या करती है, एक तरह से लोअर कर देती है यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, उसके बाद क्या करते हैं डायबिटीज को ट्रीट करती है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ओरल हाइपोग्लाइसमिक मेडिकेशंस। अब देखिए हमारे जो एक तरह से मेडिकेशन है ये कब यूज की जाती है, जब डायबिटीज बॉडी में हो जाती है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली रोल के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट जब ये ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो फिजियोलॉजिकली क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं डायबिटीज मिलाइटस को, और यहाँ पे पैथोलॉजिकली देखें तो ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी यहाँ पे आती है सल्फोनाइल यूरियस। देखिए डिफाम फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हमने सब आपको ये पढ़ाया हुआ है तो आपको नया यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ पे मेडिकेशन है जिनके मेडिकल स्टोर हैं क्लिनिक पर वर्क वगैरह करती हैं, जनरल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ग्लेम्पिराइड बहुत ही नॉर्मल साल्ट है, आप सभी ने इसका आई थिंक नाम भी सुना होगा। साथ ही यहाँ पे ग्लाइबुराइड होता है और साथ में यहाँ पे ग्लाइपाइसाइड होता है। तो इस कैटेगरी के अंदर हमारी ये ड्रग आती हैं। सेकंड यहाँ पे हमारी कैटेगरी आती है बिगवेनाइड्स, तो इसमें हमारी मेटफोर्मिन, मेटफोर्मिन बहुत ही कॉमन साल्ट है ग्लेम्पिराइड से भी ज़्यादा। और साथ ही में थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं एल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, तो इसमें हमारी कौन सी आती है, यहाँ पे वोग्लिबोस आती है, साथ में एकारबेस आती है और यहाँ पे मिगलिटोल आती है। तो ये हमारी इसके अंदर आती है, नाम थोड़े अटपटे होते हैं तो कभी कभी लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट इंसुलिन था वो थोड़ा सा हमने अच्छे से देखा, लेकिन आगे आने वाले क्या है अब आप समझ गए किस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, तो इतना आपको हार्ड नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं एस्ट्रोजन्स। अब देखिए एस्ट्रोजन हमारा क्या होता है, बिल्कुल बेसिकली इसके बारे में हम देखें तो हमारे फीमेल सेक्स हॉर्मोन होता है, जैसे मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से फीमेल के अंदर होता है यहाँ पे एस्ट्रोजन्स। तो क्या होता है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन होता है जो फीमेल के अंदर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या जेनेटिक ऑर्गन जो उसके अंडर में आते हैं उन सभी को डेवलपमेंट करने में और कंट्रोल करने में यहाँ पे एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए देख लेते हैं, द प्राइमरी फीमेल सेक्स हॉर्मोन आर एस्ट्रोजन। तो जो लेडी होती है, वुमन होती है, उनके अंदर जो प्राइमरी फीमेल सेक्स हॉर्मोन है वो एस्ट्रोजन है, साथ में इसको ओएस्ट्रोजन्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या हो सकता है, नाम चेंज करके आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड हम देख लेते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, देखिए इसके अंडर में जितने जेनेटिक ऑर्गन है सब आएंगे, आई थिंक सब आप जानते हैं, जैसे वेजाइनल पार्ट हो गया या अदर हमारे पार्ट हो गए, तो उन सभी को डेवलपमेंट करने में टाइम टू टाइम और साथ ही में उनको कंट्रोल करने में ये यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होती है फीमेल के अंदर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल, जो एक तरह से एस्ट्रोजन होता है बॉडी के अंदर कैसे फिजियोलॉजिकली वर्क करता है। तो देखिए इंक्रीज कर देता है यहाँ पे यूटरिन ग्रोथ को, जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, साथ में इंक्रीज कर देता है वेजाइनल लुब्रिकेशन और यहाँ पे इंक्रीज कर देता है बोन फॉर्मेशन। मेंटेनेंस करता है यहाँ पे विसल एंड स्किन को, रिड्यूस कर देता है मसल्स मास को, साथ में फ्लूइड बैलेंस करता है, इंक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बाइल, बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज करता है। साथ में देखिए ब्लड ग्लूकोज जो है उसको भी यहाँ पे ये इंक्रीज करता है। तो हमने आपको बताया था ना क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम पे जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन होता है वो तो मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी ग्रोथ करने के लिए, जो एक तरह से बेबी वगैरह होता है पूरा सिस्टम होता है, तो इस ऐसे हम कह रहे हैं। साथ में इंक्रीज ब्लड कोएगुलेशन, जो एक तरह से ब्लड की कोएगुलेशन थक्का जमने की प्रोसेस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। सोच रहा हूँ कि सर आपने एकदम ऐसे बता दिया, अब देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर आपका काफ़ी लेंथी हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। साथ में यहाँ पे पैथोलॉजिकल रोल हम देखें तो एक तरह से एस्ट्रोजन का लेवल कम है या ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे पैथोलॉजिकल रोल। जैसे कंडीशन एसोसिएटेड विद लो एस्ट्रोजन, ये कंडीशन जो हम देखने वाले आगे एक तरह से हमारी होती है जब बॉडी के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है, मतलब कम होता है। इरेगुलर पीरियड, जो देखिए पीरियड के फिक्स टाइम होता है वो यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा, मतलब कभी के कभी भी वो हो सकते हैं। बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो जाएगी। कोरोनरी हार्ट डिसीज, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज हमने फार्माकोथेरापोटिक में आपको पढ़ाया हुआ है, वो यहाँ पे हो सकती है। बोन फ्रैक्चर हो सकती है ड्यू टू ऑस्टियो पोरोसिस, क्या होता है एक तरह से बोन रिलेटेड हमारी एक डिसीज होती है जिसमें जो हमारी बोन वगैरह होती है वो इजिली यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब भंगुर एक तरह से हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे कंडीशन एसोसिएटेड विद द हाई एस्ट्रोजन, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये कंडीशन हमारी हो सकती हैं। जैसे इन्हें यहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब जो एक तरह से इंसुलिन का एक्शन है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगी। साथ में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रह सकते हैं, ओवेरियन कैंसर के, साथ में यहाँ पे ट्यूमर्स, तो ये होते हैं यहाँ पे इसके
पैथोलॉजिकल रोल। साथ में क्लिनिकल यूजेस हम देखें तो भाई ऑस्टियोपोरोसिस में जो एक तरह से हड्डियाँ बोन वगैरह कमजोर हो जाती है उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, एक डिसीज होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की फॉर्म में भी इसको दिया जाता है टू ट्रीट यहाँ पे प्रोस्टेटिक कैंसर। तो प्रोस्टेटिक कैंसर क्या होता है ये आप आई थिंक जानते होंगे, इसको भी ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए फोर यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोजेस्टिरोन। अब देखिए हमारे यहाँ पे प्रोजेस्टिरोन होता है एक तरह से कह सकते हैं हमारा एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, वैसे होते तो सारे इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है ये यहाँ पे सिक्रीट होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी के अंदर। किस तरह से होता है चलिए देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोजेस्टिन। देखिए हम आपको पहले से बता रहे हैं क्या होता है, आपका जो एग्जाम होता है उसमें एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए देखने के लिए बच्चे को कितनी नॉलेज है नाम यहाँ पे चेंज कर देता है। तो मल्टीपल क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन प्रोजेस्टिन या एक तरह से प्रोजेस्टिरोन, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए जो नाम एक से ज़्यादा होते हैं वो आप माइंड में रखा करें। तो इट इज़ ए फीमेल स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन, जो एक तरह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन होता है दैट इज सिक्रेटेड, जो एक तरह से सिक्रेट होता है बाई ओवेरीज एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब क्या होता है कोई लेडी वूमन क्या होती है प्रेगनेंट होती है उस कंडीशन मतलब उसके दौरान क्या होता है ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से ओवेरीज और प्लेसेंटा से यहाँ पे सीक्रेट होता है। अब चलिए मेन हम यहाँ पे देखेंगे इसको इसके फिजियोलॉजिकल रोल में, बॉडी में फिजियोलॉजिकली रोल क्या क्या होते हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन के। प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम। देखिए एंडोमेट्रियम क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी है। तो एक तरह से जो यूट्रस होती है उसकी ये क्या होती है इनर लेयर होती है, मतलब एक लाइनिंग होती है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे प्रिपेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, तो उसमें ये मेनली रोल अपना यहाँ पे निभाता है। साथ में इट ऑल्सो हेल्प द ब्रेस्ट और मिल्क प्रोडक्शन। देखिए हमारे जो क्या होता है प्रोजेस्टेरोन होता है भाई, तो आप सबको पता है जब एक तरह से डिलीवरी हो जाती है उस कंडीशन में जो एक तरह से बच्चा होता है उसको पहला दूध माँ का चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में अगर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा मिल्क ही नहीं होगा वहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर फीमेल के तो दिक्कत हो सकती है। तो एक तरह से ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है ये हेल्प करता है एक तरह से ब्रेस्ट की क्या करने में प्रोडक्शन करने में मिल्क का जो यहाँ पे एसेंशियल है। साथ में इट प्रमोट्स द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर, जो एक तरह से लीवर होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन के स्टोरेज को प्रमोट करता है यहाँ पे कौन प्रोजेस्टेरोन। चलिए इसमें और हम देख लेते हैं इट हेल्प्स इन मेडिएटिंग सेक्सुअल रेस्पॉन्स इन द ब्रेन, जो क्या होता है फीमेल के अंदर ब्रेन होता है उसको जो सेक्सुअल रेस्पॉन्स देने का वर्क करता है मेडिएटिंग एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने का वर्क करता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन करता है। अच्छा मेल के अंदर आप सोच रहे होंगे फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, वो फीमेल के अंदर भी होता है लेकिन इतनी मिनिमम क्वांटिटी में होता है जिससे कोई भी लक्षण वहाँ पे मेल वाले उसमें दिखाई ना दे, ज़्यादा होगा दिक्कत हो जाएगी। उस तरीके से मेल के अंदर जो रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का इज नॉट क्लियर, मतलब होता है मिनिमम क्वांटिटी में लेकिन क्लियर नहीं होता है आखिर है क्या। तो हो गया यहाँ पे इसके फिजियोलॉजिकल रोल। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं पैथोलॉजिकल रोल, जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल के अंदर क्या क्या इसके पैथोलॉजिकल रोल होते हैं। दे इंक्रीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसको हिंदू में हम कहते हैं यहाँ पे मासिक धर्म, आई थिंक आप अच्छे जानते होंगे लेडीज तो अच्छे जानते होंगे जो फीमेल है, तो उसको एक तरह से ये इंक्रीज कर देता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है मे बी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी का साइन भी हो सकता है। आप देखिए ऐसे हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि भाई प्रेगनेंसी के दौरान तो रिलीज होता है, अगर इसका प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो मतलब प्रेगनेंसी की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, तो टेस्ट वगैरह वहाँ पे करा सकते हैं। अब ये तो हो गया हाई लेवल, सेकंड इसका लो लेवल हम देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कैन कोस इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो पीरियड होते हैं फीमेल के अंदर वो यहाँ पे इरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि लेवल उसका कम हो गया है। साथ में ऑल्सो इफेक्ट फीमेल प्रेगनेंसी एबिलिटी, योर हमने लिखा हुआ है मतलब या आप लिख लें यहाँ पे फीमेल, तो एक तरह से जो फीमेल के अंदर क्या होती है प्रेगनेंसी वाली एबिलिटी होती है वो यहाँ पे कम भी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल यूजेस, जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन इसके क्या क्या यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस होते हैं। तो इट इज़ यूज एज प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की फॉर्म में भी यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज़ किया जाता है और साथ में यहाँ पे विद एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो प्रोजेस्टेरोन और साथ में एस्ट्रोजन दोनों को कॉम्बिनेशन में एक तरह से मिला के एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। साथ में इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किया जाता है और वेरी लेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो इट इज़ वेरी लेस यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये जो हमारे होते हैं इनमें भी इनका यूज़ कर सकते हैं डिसऑर्डर्स में। अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इसको थोड़ा सा हम अच्छे समझेंगे। देखिए क्या होता है जो यूट्रस होती है कभी कभी क्या होता है वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसकी लाइनिंग में, तो एक तरह से यूट्रस के आउटसाइड क्या होती है वो ग्रोथ कर जाती है, तो उस कंडीशन में उस ग्रोथ को कम करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का यूज़ किया जाता है, ये हमने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था जिसको यहाँ पे प्रोजेस्टिन भी हम कहते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम हार्मोन देख लेते हैं ऑक्सी
अब देखिए ऑक्सीटोसिन हमारा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आगे इजीली हमें समझ में आ जाए। तो ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो मेनली चाइल्ड बर्थ के दौरान रिलीज होता है। देखिए कोई वुमन जब प्रेग्नेंट होती है, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चा पैदा होने का, तो वहां पे अहम रोल निभाता है जो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होता है। चलिए देख लेते हैं, इट इज द नेचुरल हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यहाँ पे एक नेचुरल हार्मोन होता है सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, जो एक तरह से हाइपोथैलेमस के थ्रू यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर इट। और एक तरह से यहाँ पे सिंथेसाइज होने के बाद में जो हमारे यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर मतलब स्टोर होता है, यहाँ पे ये इकट्ठा होता है। इट रिलीज इन टू ब्लड स्ट्रीम, वो साथ में एक तरह से जो ब्लड होता है उसके अंदर इसको रिलीज कर दिया जाता है। और जब एक तरह से ऑक्सीटोसिन हमारा हाइपोथैलेमस में बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो आगे यहाँ पे क्या मेनली अपना वर्क करता है ये हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल में। जैसे जब इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे रिलीज किया जाता है तो ये डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, क्योंकि देखिए चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना या थोड़ा कम होना वहाँ पे एसेंशियल होता है, जिससे ब्लीडिंग कम हो। साथ में इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन विच फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। देखिए ये हमारा यहाँ पे मेनली यूज है पूरे ऑक्सीटोसिन का पूरी बॉडी के अंदर। जैसे क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है बच्चा पैदा होने का, तो यहाँ पर एक तरह से जो यूटरिन होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा या पेन हिसाब से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिन लोगों के अंदर मतलब जिन फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन पूरी क्वांटिटी में यहाँ पे रिलीज नहीं होता है तो उनको बाहर से भी यहाँ पे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है, मतलब फैसिलिटेट करता है चाइल्ड बर्थ को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इट हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, और साथ में मिल्क प्रोडक्शन में भी यहाँ पे ये हेल्प करता है फीमेल की। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके पैथोलॉजिकल रोल। देखिए पैथोलॉजिकल रोल सीधा इसका जो लेवल है बॉडी में कम है ज़्यादा है उस पर यहाँ पे डिपेंड करेंगे। जो ऑक्सीटोसिन होता है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इन फीमेल। अब देखिए फीमेल के अंदर जो चाइल्ड बर्थ होता है, एक तरह से डिलीवरी का टाइम होता है, वहाँ पे इसका अहम रोल है, तो उस टाइम पे इसका लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर। साथ में लो लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए हमारा कोई भी हार्मोन होता है जहाँ से एक तरह से सिंथेसाइज हो रहा है, जहाँ उसकी सिंथेसिस हो रही है, बनना है, प्रोडक्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो एक तरह से ऑर्गन ही हमारा डैमेज हो जाए तो एक क्वांटिटी होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस के डैमेज होने से एक तरह से इसका जो लेवल है बॉडी में वो कम हो सकता है। और जिन लेडीज के अंदर इसका लेवल कम होता है उनको बाहर से भी दिया जाता है, जिससे एक तरह से चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में हो सके, जिससे फैसिलिटेट हो सके यहाँ पे चाइल्ड बर्थ। साथ में लो ऑक्सीटोसिन लेवल हैव बीन लिंक्ड टू, देखिए एक तरह से जो लो लेवल होता है बॉडी में ऑक्सीटोसिन एक तरह से लिंक मतलब जुड़ा होता है यहाँ पे एटिसम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए एक तरह से क्लास है इसके अंदर काफ़ी सारे डिसऑर्डर आते हैं, तो उनमें एक तरह से मतलब कम होने से ये हो सकता है। साथ में डिप्रेसिव सिम्टम्स एक होता है ना, डिप्रेसिव इंसान जब होता है कुछ सिम्टम्स आते हैं, उस तरह के सिम्टम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस, मतलब कि क्लिनिकली कैसे कैसे यूज किया जाता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का। तो देखिए चाइल्ड बर्थ एक तरह से डिलीवरी के टाइम पर तो मेनली इसका यूज किया जाता है, यहाँ पे मेटरनल डायबिटीज उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, जो एक तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब देखिए एबॉर्शन, ये नाम आपने काफी सुना होगा, कभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एबॉर्शन क्या होता है? देखिए एबॉर्शन का सीधा मतलब होता है एक तरह से किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो उसको गिराना, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह होती है एक तरह से इलीगल है इंडिया के अंदर, आई थिंक अदर कंट्रीज में भी शायद ये है। एबॉर्शन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए हमारा जो ऑक्सीटोसिन है जैसे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, तो अगर मतलब चाइल्ड बर्थ जो डिलीवरी है उससे पहले हम इसका यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे एक तरह से बच्चा जितना भी वहाँ पे वो है वो सीधा बाहर आ जाएगा वेजाइना के थ्रू। तो इस तरह से एबॉर्शन में भी यूज किया जाता है। साथ में इम्पेयर्ड मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट में हम देख लेते हैं टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए इसका सीधा मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग, चाइल्ड बर्थ में डिलीवरी के दौरान जो एक तरह से हिसाब से ज्यादा क्या होती है ब्लीडिंग वगैरह होती है, उसको भी ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसको रिलीज किया जाता है तो बीपी को ये कम करता है। तो आई थिंक आपको ऑक्सीटोसिन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं कोर्टिको स्टीरोइड्स। अब देखिए यहाँ पे जो कोर्टिको स्टीरोइड हॉर्मोन है, लास्ट यहाँ पे हॉर्मोन है किसके, इस यूनिट की, तो इसके बाद हमारी यूनिट 10 है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कोर्टिको स्टीरोइड्स हमारा क्या होता है। कोर्टिको स्टीरोइड्स आर ए क्लास ऑफ स्टीरोइड हॉर्मोन। तो हमारे जो कोर्टिको स्टीरोइड्स है हमारे ये स्टीरोइड हॉर्मोन की एक क्लास होते हैं। अच्छा क्लास यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, जो एक सिंगल हॉर्मोन होता है वो सिंगल होता है, जो एक तरह से जिसके टाइप होते वो होती है हमारी ये क्लास, जो रिलीज होता है बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हमारा एक स्टीरोइड हॉर्मोन होता है कोर्टिको स्टीरोइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से
रिलीज होता है। साथ में इसके टाइप हम देखते हैं, साथ में मिनरलो कोर्टी कोर्ट, ये टू यहाँ पे इसके टाइप होते हैं। अब मेनली हम देखेंगे इसको फिजियोलॉजिकल रोल में। देखिए जितने हमारे हॉर्मोन हमने देखे उनके जो मेनली यूज होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल किस तरह से वर्क करते हैं, तो इसके टाइप के बेस पर हम देखेंगे। फर्स्ट होता है यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं ऑल्सो नोन एज कोर्टिसोल। तो हमारे यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है, इसको कोर्टिसोल के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन में आप घूम सकते हैं, इसलिए दोनों नाम आप यहाँ पे याद रखें। साथ में हेल्प इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फेट मेटाबोलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है साथ में प्रोटीन है और फेट है लिपिड्स वगैरह, उसके मेटाबोलिज्म में एक अहम रोल होता है यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का। साथ में गिव एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है जो यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है। साथ में यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, तो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स जो होता है इसको यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के नाम से भी हम जानते हैं। तो एल्डोस्टेरोन साथ में मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, नाम यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन मतलब इनका सेम ही होता है, मतलब एक का ही नाम है। इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होती है साथ में वाटर बैलेंस होता है, तो यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकॉइड जो इसका अहम रोल होता है। देखिए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस में इसका मेन रोल है रेगुलेशन में, इसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबोलिज्म में, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग आपको बताया, एक जगह बताते तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होती है, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं पैथोलॉजिकल रोल, जो एक तरह से कोर्टिको स्टीरोइड्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका हाई लेवल होने पर और साथ में लो लेवल होने पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाई लेवल ऑफ कोर्टिको स्टीरोइड्स कोज, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोर्टिको स्टीरोइड्स का लेवल हाई हो रहा है तो क्या कंडीशन कोज हो सकती है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो सकता है, साथ में डायबिटीज शुगर भी हो सकता है, साथ में यहाँ पे ओबेसिटी मोटापा भी आ सकता है, मतलब मोटापा आएगा तो एबनॉर्मल तरीके से आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, तो इस तरह से हमारे ये इसके नुकसान है। साथ में लो लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है इसका लेवल कम होता है तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। देखिए लो ब्लड प्रेशर इसलिए कहते हैं जो हमारे हार्मोन है वो एक एक्यूरेट क्वांटिटी में बॉडी के अंदर होने चाहिए। भाई एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो बीपी हाई हो रहा है, कम हो रहा है तो बीपी लो हो रहा है, अपनी एक एक्यूरेट क्वांटिटी में रहेगा बॉडी में जितना चाहिए बॉडी प्रोसेस के लिए, तो एक तरह से ये नॉर्मल रहेगा, बीपी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। साथ में लो शुगर लेवल, तो शुगर का लेवल यहाँ पे लो हो सकता है। अच्छा वेट लॉस हो जाएगा, यहाँ पे ओबेसिटी है वहाँ पे वेट लॉस है, बिल्कुल अपोजिट है सारे एक दूसरे के। साथ में देखिए यहाँ पे वीकनेस आ सकती है, थकान आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था, जो प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स है इसके मेटाबोलिज्म में यहाँ पे इसका एक अहम रोल होता है, मतलब हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका लेवल कम हो रहा है तो भाई लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगने यहाँ पे कम हो सकती है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अच्छा लास्ट में हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। तो देखिए रीनल डिसऑर्डर, जो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ में जो एक तरह से स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्किन मतलब जो स्किन है इससे रिलेटेड कोई बीमारियाँ होती है उसमें यूज़ किया जाता है। साथ में बीपी और शुगर को ट्रीट करने में जब लेवल हाई हो जाता है उस कंडीशन में एक क्या होता है इसको लो किया जाता है जिससे बीपी कम रहे शुगर लेवल भी नॉर्मल रहे। साथ में टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज क्या होती है फार्माकोथेरापेटिक में डिटेल में पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे। साथ में टू ट्रीट यहाँ पे हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ फार्माकोथेरापेटिक में। तो आई थिंक आपको पूरी यूनिट अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, इसमें हमने 3 लेक्चर क्या किए यहाँ पे कवर किए जिसमें पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए पूरी यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और एक चीज़ आप सुन ले थोड़ी सी यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं जल्दी हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में, साथ में जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं उनके लिए भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो सीधा आपको वेबसाइट पे ज्वाइन होना है, जो आपका फुल ईयर के लिए आप ज्वाइन हो जाइए, सीधा आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियसल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जल्दी हम मल्टीपल क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।